वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये न्यू व्लॉग नहीं है, ये नाइट व्लॉग है। देखिए, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, जो अभी रात दिखा उसमें, तो अभी मैं सच में नाइट व्लॉग है। देखिए, और ये तो बहुत ठंडी भी हो रही है। शायद मुझे फुल कपड़े पहनना चाहिए था और स्वेटर भी पहनना चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो एक कुछ ट्राई करते हैं नया। तो मैंने सोचा चलो नाइट व्लॉग ही बना देते। तो अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। अभी मैं वॉकिंग के लिए ही आया था, क्योंकि अभी खाना खाया ना, तो उसी समय मुझे दिमाग में आइडिया आया चलो नाइट व्लॉग बनाते। तो अभी बज रात के 10, और मैंने बोला था आपको मेरा साइकिल दिखाऊंगा, तो ये रही मेरी साइकिल। ये देखिए, दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मेरा साइकिल है। ये विदाउट गियर के साइकिल है, नॉर्मल है। इसमें फ्रंट लगा है डिस्क ब्रेक्स, और बैक में जो पीछे लगा है वो जो नॉर्मल ब्रेक्स आते हैं ना, वो ही है। तो बाहर ना चमकादार भी जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इस पेड़ में चमकादार रहते हैं, ये देखिए, जो ये बड़ा वाला पेड़ है ना, इसमें चमकादार रहते हैं। मुझे चमकादार से तब से डर लगने लगा जब से मैंने सुना जो कोरोना चमकादार से आया था। तो अभी ये भी है मेरे साथ। आज हम वॉकिंग करने आए, हम इतने दिन से नहीं आते हैं क्योंकि कोरोना का समय था, हालत भी ठीक नहीं था, इससे मैं कभी नहीं आ रहा था। तो अभी हालत थोड़ा सी ठीक है, तो सोचे चलो थोड़ा सा वॉकिंग ही कर लेते। तो अभी मैं सोचा थोड़ा सा साइकिल चलाने के लिए आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं साइकिल चलाने के लिए। आपको साइकिल चलाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा अभी मैं कैसे चला रहा हूँ, तो उसके लिए आप रुकिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चला रहा हूँ साइकिल। वो भी मेरा भाई इधर भाग रहे, वो इसलिए नहीं चला रहे, उसके पास भी साइकिल है, नया साइकिल। लेकिन क्या हुआ कि जो उसने अपना साइकिल को ना ख़राब कर दिया, उसका टायर ख़राब कर दिया उसने, जो साइकिल का क्या बोलते रिम को छोड़ते, उसमें हवा नहीं भर रहा टायर में। तो अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं थोड़े दिन बाद उसे लेके जाएंगे ठीक करने के लिए। इससे मैं बोल, और वो कभी कभी इधर बैठता भी है, इधर वो भी, क्योंकि उनसे भी तो मन करता है ना बैठने का, तो मैं कभी कभी बिता देता हूँ। अभी नहीं, मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। ये बड़ा साइकिल है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में साइकिल, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हर जगह वायर फंस जाए। इसलिए मैंने माइक इसलिए पहना, क्योंकि बाहर बहुत शोर और सब होता है, तो अगर आवाज़ क्लियर ना आए तो इसलिए मैंने पहना। अभी अगर आवाज़ क्लियर आ जाए तो चल, और बैठना चाहता है तो अभी नहीं बिता सकता, सॉरी भाई, बाद में बिताएंगे। तो अभी मैं इधर फंस गया हूँ, इससे मैं अपना साइकिल को इधर ही रोका। तो अभी मैं साइकिल चलाना शुरू करता हूँ, देखता हूँ इसे बिता के व्लॉग कर सकता हूँ क्या नहीं। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा हिलने का वो आया। मैं यूजुअली दिन में ही आता हूँ साइकिल चलाने के लिए, आज नाइट व्लॉग ही करके मैं साइकिल चला, नहीं तो नहीं चलाता। तो पूरे रात, थोड़ा रात के 2 बजे तक ही व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मालूम नहीं ना टाइम मिलेगा भी क्या नहीं, क्योंकि सोना भी पड़ता है, कल संडे है। तो फिर भी तो गाइस, उधर एक बिल्ली बैठा है, इधर रोशनी नहीं है ना तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उधर बैठा है। हाँ, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। और मैंने बोला था आपको जो हम बिल्ली अडॉप्ट करेंगे, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर अडॉप्ट करेंगे,
एक किटन को अडॉप्ट करेंगे, बेबी होता है ना उसे ही अडॉप्ट करेंगे। तो अभी आपसे मिलता हूँ लिफ्ट में, एक घर में, जहाँ पे भी मिलेंगे मिलेंगे। फ्रेंड्स अभी बहुत ठंडी भी लग रही है और देखिए बाहर बारिश भी होना शुरू हो गया, तो बहुत ठंड लग रहा है। सोचे जो घर ही चले जाते हैं, क्योंकि अगर इतने ठंड में रहेंगे तो जम ही जाएंगे। पर मौसम तो बहुत प्यारा बन रहा है, इसे मन तो नहीं कर रहा, शायद अगर स्वेटर होता तो रह लेते। तो चलते हैं घर में। तो गाइस अभी मैं लिफ्ट में हूँ, सोचा कि ज़्यादा बाहर रहने के ठीक नहीं, क्योंकि बहुत ठंडी भी बढ़ रही थी और बाहर बारिश भी हो रहा था, तो मैंने सोचा घर ही चलते हैं। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ। घर के अंदर बहुत ठंडी है और बाहर पूरा अंधेरा भी है, कुछ दिखा नहीं दे रहा, क्योंकि अभी ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं घर के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया बेडरूम में, और फिर अभी मैं इधर बैठा, अपना फेस वॉश किया और बैठ गया। फिर अभी मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्या जो मैं आधा घंटा आराम कर लूँ, आधा घंटा आराम करके आपसे मिलता हूँ, क्योंकि रात को मुझे जानने की आदत कभी भी नहीं है ना, इसलिए मैं आधा घंटा आराम करूँगा, फिर आप लोगों से मैं मिलूँगा। तब तक के लिए